इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप सिट्रा एम्युलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो सिट्रा एम्युलेटर में आपको ब्लैक स्क्रीन की इशू आ रही है। ब्लैक स्क्रीन मतलब आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सिट्रा एम्युलेटर जो है काफ़ी सारे लोगों को इस्तेमाल करना होता है, बट इसमें आपको ब्लैक स्क्रीन की अगर इश्यू आती है तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए इसे इस्तेमाल करने से पहले। इसमें आप जो भी गेम्स को प्ले करना चाहते हैं, वो एक जो गेम है वो थोड़े मतलब हाईली कॉम्प्रेस गेम होने चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े बड़े गेम को एमुलेटर में एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो उस केस में आपका एमुलेटर जो है काम करना बंद हो जाएगा और बग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो छोटे छोटे गेम हैं, जो पीसी के गेम आप खेलना चाहते हैं एमुलेटर के सहायता से, तो उसे तो आप खेल पाएंगे, बट अगर आप बहुत बड़े बड़े गेम्स को, मान लीजिए GTA, अगर आप इसमें खेलना चाहोगे तो एमुलेटर आपका काम नहीं करेगा, ब्लैक स्क्रीन होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको वही बता दूँ कि एक तो आप जो भी है मतलब स्मॉल गेम जो है पीसी के, उसको इस्तेमाल कीजिए अपने एमुलेटर में, जिससे कि आपको एमुलेटर रन कर जाए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व अगर आपकी नहीं हो रही, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो इस केस में आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे, ठीक है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऐप्स मैनेजर में चले जाना है, या फिर ऐप नोटिफिकेशन होगा किसी फ़ोन में उसके ऊपर चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वो एमुलेटर देखना है जिसमें आपको ब्लैक स्क्रीन की इशू आ रही है। फिलहाल मेरे पास वो एमुलेटर नहीं है, बट मैं आपको एक रैंडम ऐप को लेकर सेटिंग बताता हूँ कि आपको करना क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हम एमुलेटर को यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पर एमुलेटर को ओपन करने के बाद इसके डाटा और कैचे में चले जाइए, इसका क्लियर डाटा यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर डाटा करने से कोई मतलब बहुत बड़ी सेटिंग नहीं है, बट मे भी आपकी प्रॉब्लम इससे फिक्स हो जाए। उसके बाद अपने फ़ोन को एक जो है बंद कर दीजिएगा और उसके बाद चालू कीजिएगा, आपकी जो इश्यू है प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। बट अगर आप फिर भी ब्लैक स्क्रीन की इशू फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब एक तो आपका डिवाइस जो है एक लो इन डिवाइस है और एमुलेटर उसके अंदर ये काम नहीं करेगा, तो उस केस में आपको अपने डिवाइस को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिंट्रा एमुलेटर है वो ज़्यादातर जो है एंड्रॉयड का वर्जन 11 प्लस में काम करेगा। अगर आपका डिवाइस उससे कम है या फिर अगर आपके फ़ोन के रैम 4 GB से कम है तो उसमें भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी गेम को प्ले कीजिएगा एमुलेटर पर, इससे कि आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।